वेलकम बैक नाजरीन, हम जो हैं इस वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं आप लोगों के, और हमने अभी और भी लोगों से बातें करनी है और उनको लाहौर न्यूज़ की तरफ से बहुत सारे इनाम देने हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अली कामरान। हाजरा बीबी। मुकद्दर ज़हूर। मोहम्मद अहमद। कौन से क्लास? 5 क्लास। मैं फर्स्ट ईयर की स्टडी कर रही हूँ। आप क्या करती हैं? मैं घर में ग्रेजुएशन। आपके साथ हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली आमिर। पूरी फैमिली का माशाल्लाह आज बाहर कैसे आना हुआ? जी हमारे बेटे की सालगिरह है। आपकी सालगिरह, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। क्या उम्र हो गई? 20 इयर्स। क्या क्या गिफ्ट में मिला? अभी वही सिलेक्शन करने के लिए आए। वाले दिन लेने आए हो? जी। ओके, और सरप्राइज। हाँ, और केक कटा? जी अभी लेके साल ले। अच्छा, केक भी लेके जा रहे हैं? जबरदस्त। वेरी नाइस जी। बाबा नहीं आए? बाबा घर पे आराम कर रहे हैं। ओ चले, कोई बात नहीं, घर में वो मिल जाएंगे। अच्छा, क्या सोचा भाई को क्या देना है? भाई को देखती हूँ, वॉश दे दूँ या बॉयलर देख ली हूँ। हेयर स्प्रे। नाइस, बड़ा अच्छा था। आराम। पैंट शर्ट। नाइस। जी जो मेरा बेटा पसंद करेगा। इनसे तो मैं दुआओं की बस उम्मीद करता हूँ। नो डाउट, माँ की दुआ वाकई में। तो बचपन में सुनने थे ना कि माँ की दुआ जन्नत की हवा, लेकिन लिटरली जो माँ दुआ देती है वो ऐसे पूरी होती है। चले जी, सवाल करते हैं, ठीक है जी। दुनिया में कितने फीसद लोग खून देने के काबिल हैं? 73% तकरीबन। इससे कम है? लाइक 40%। 50%, 30%, 40%। आप और आप करीब हैं 38%, तो ठीक कर देते हैं। अभी क्लैपिंग कर दें इनके लिए, वैसे भी इनकी बर्थडे है। ओके, आप क्या शेयर करेंगी? अम्मी क्या अच्छा बनाती हैं? अम्मी वैसे हमें जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो खीर है। खीर की रेसिपी बताएं। खीर की रेसिपी, हम जैसे अब गाजर का मौसम है, तकरीबन 10 किलो दूध लेते हैं, खोया लेती हूँ, उसमें 1 किलो चावल लेती हूँ, 1 किलो चीनी, बादाम, सब मेवे डालकर और वो बनाती हूँ जी। और आप? मैं तो मौसम की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हैं। दूसरा, रिसेंटली हमारे जो मुल्क के बहुत अहम शख्सियत जो गुजरे हैं, हज़रत अल्लामा इकबाल साहिब, उनको याद करते हुए एक शेर कहना चाहूँगा। कुव्वते इश्क से हर पुश्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पुश्त को बाला कर दे, दहर में इश्क मोहम्मद से उजाला कर दे। जज़ाकल्लाह, सदक़ा। आप करते क्या हो? मैं स्टडी भी और इंटीरियर्स का काम है मेरा। रेडियो में ट्राई किया? नहीं, अभी तक तो नहीं। ज़रूर ट्राई करो जी, इंशाल्लाह। बल्कि हमारे काफ़ी स्पीच में मैं इंटरेस्ट रखता था। UCB का है रेडियो का अपना चैनल, इन्हीं का ही है, आप उसमें सेंड करना, ठीक है? ओके, जो जगह करेंगे आपकी वॉइस वो सुनने वाली है, गाड़ियों में नहीं लगी होती। ज़रूर ट्राई करो। और आपने क्या शेयर करना है? कुछ नहीं, शर्मीले लग गए। और आप? दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। सुना है हर चीज मिल जाती है दुआओं से। ओ सॉरी, क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। वेरी नाइस, बड़े बच्चों के शेर आते हैं, बड़ा शायराना मिजाज है। सबसे लाडला कौन है? सबसे तीनों ने कभी मारा इसको? सबसे और सबसे बड़ा? नहीं, मेरा कभी चांस। सबसे बड़ी बेटी है, वो सबसे लाडली है, और ये सबसे छोटा है। वैसे सबको बहुत प्यार करती हूँ, बराबर का ही। माशाल्लाह जी, लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट। थैंक यू जी। बहुत प्यारी फैमिली थी, थरली इंजॉयड जो उनकी मुझे खासियतें लगी, खासतौर से जो लड़का था उसकी जो आवाज़ है वो बिल्कुल वो थी जो रेडियो में नहीं होती, भारी और बड़ी उर्दू में परफेक्शन थी। तो जैसे कि हमेशा से आपको पता है, दुनिया न्यूज़ हो गया, लाहौर न्यूज़ हो गया, यूसुफी हो गया, वो हमेशा से लोगों को बहुत ज़्यादा मौके देते हैं। तो इनका अपना जो है वो रेडियो है, आप उसमें ज़रूर ट्राई करें और यकीनन वो आपको मौका देंगे, क्योंकि हम लोग जो हैं, जो ये नेटवर्क है, ये नए टैलेंट को ज़रूर मौका देता है। सो डू ट्राई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? महरीन। आपका? अब्दुल रऊफ। आपका नाम? बिलाल। बोलो। कौन सी क्लास में? वन। आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ।
मैं जॉब करता हूँ. क्या जॉब करते हैं? बिजनेस ओके ओके जी. आज कैसे आना हुआ शॉपिंग? चले मुझे बताएं, वोट का हक सबसे पहले किस मुल्क ने दिया था औरतों को? वोट का हक? वोट कास्ट करने का हक. वोट कास्ट करने का? बोलो जी. वोट कास्ट करने का हक किस मुल्क ने दिया था पहले? वोट कास्ट करने का हक मेरे हाल से इंडिया, पाकिस्तान? नहीं नहीं, चाइना, अमेरिका, ग्रीस. क्या शेयर करेंगे? रेसिपी. रेसिपी जो मेरे बच्चे घर में बहुत शौक से खाते हैं, चिकन शवारमा जो होता है वो, उसकी रोटी भी मैं घर पे बनाती हूँ. उसमें मैं डालती हूँ 2 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून शुगर. इसको गूंद के तो इसकी रोटियाँ पका के हल्का सा ऑयल लगा के, तो इसके ऊपर क्या मायो गार्लिक लगा के ऊपर चिकन मैरिनेट करके फ्राई करके, तो चिकन की मैरिनेशन में मैं डालती हूँ दही और नमक, लाल मिर्च और सोया सॉस और चिली गार्लिक सॉस. ये इन सबको मैरिनेट करके और फ्राई करके तो इसके अंदर रोटी के अंदर स्प्रेड करके तो उसको रोल ओवर करके पराठा रोल बना के तो बच्चे बहुत शौक से लंच में खा लेते हैं. थैंक यू. वेरी नाइस. सर आप? मैं आपको शेयर कर देता हूँ ना. मैं तो उम्मती हूँ ऐशाए उमम, कर दे मेरे आला अब नजरे कर रहा हूँ. मैं तो बेसहारा हूँ, अमन भी है हाली, कर दे मेरे मौला नजरे करम. मैं तो उम्मती हूँ ऐशाए उमम, कर दे मेरे आमोला अब नजरे करम. सुनाओ. अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में नूड़ी है नाड़ी है. वेरी नाइस. लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट सुनाना है इसने. नहीं ये छोटा बेबी है. ओके जी. बहुत प्यारी फैमिली थी, बड़ा मज़ा आया जी. हमने इनसे बात की और ये जो शेर था जो बच्चे ने सुनाया ये इतना वो कहते हैं ना आसान नहीं था, मगर ही वॉज़ वेरी गुड. तलफ़ुज़ में भी कोई जो है वो गलती नहीं थी और उर्दू भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी. बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे उल्टी सीधी चीज़ें याद करने की बजाय, सॉन्ग याद करने की बजाय, हमारे लेजेंड्स के जो शेर और शायरी है वो याद करते हैं, तो इससे उनके पेरेंट्स के ज़ौक और हुनर का पता चलता है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? साबिर. साबिर जी सबर करते हो? बहुत. भूख लगी होती है तो तंग तो नहीं करते घर में के कौन हो? दो मैं सारा दिन खाना खाता ही नहीं, भूख नहीं लगती. ज़्यादा ही साबिर हो. चलो जी मुझे बताओ कि कभी हुआ ऐसा कि लड़ाई झगड़ा हो और बड़ी मार पड़ी हो? नहीं मार. सच? नहीं मारा ही है बस. इतने यार लड़का हीरो ही बनता है कि मारा है, कैसे हो सकता है? खुद भी एक आधी पड़ी हो, पड़ी होगी. एक पड़ी थी जब मैं लड़के के साथ लड़ा था एक दफा. नहीं जोर की नहीं, मैंने उसको मारा था बस, वो ज्यादा ज्यादा एग्रेशन लगा दी मुझे. कभी ऐसा हुआ 10-12 लड़के आ गए और लड़ने और आपने कहा दौड़ लगा दी? नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ. हमेशा डट के लड़ाई. हाँ गुड. कभी ये ना कॉन्फिडेंस से मारे जाओ. नहीं. चलो सब तो मेरी हाइट है कि मैं लड़ सकता हूँ. हाइट से क्या होता है, कभी कोई इतना मोटा भी होता है मेरे में. ताकत जिम शिम करते हो? नहीं. एक्सरसाइज? खाना तुम नहीं खाते, जिम तुम नहीं करते, तो ताकत कैसे है तुम में? चलो सवाल करते ठीक है. ऐसे खुदा की कुदरत से है. चले जी मुझे बताएं वो कौन सा मुल्क था जिसे सबसे पहले औरत को वोट कास्ट करने का हक दिया था? लंदन, दुबई. क्या सुनाओगे? गाना सुनाऊंगा छोटा सा. दिल मेरी ना सुने दिल की मैं ना सुनूं, दिल मेरी ना सुने दिल का मैं क्या करूं. और सुनो. मैं तेरे संग पानियों सा पानियों सा पानियों सा बहता रहूं, तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं. वेरी वेरी नाइस. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए.
थैंक यू। ये वेलकम जी, बड़ा मजा आया जी, हमने उनसे बात की, एक गाना बोला, फिर दूसरा गाना स्टार्ट किया, खैर बड़ा फन किया जी। नाज़रीन बहुत थक गई हूँ मैं तो, बस अब बैठ गई हूँ क्योंकि मेरे प्रोग्राम का वक्त भी जो है वो ख़त्म हो गया, मैं जा रही हूँ, मुझे आपसे इजाज़त भी लेनी पड़ेगी ना। ओके, जब हम पानी फ्रीज करते हैं, बर्फ़ जमाने के लिए पानी रखते हैं, तो अगर हम एक बाउल में रखते हैं गर्म और एक में रखते हैं ठंडा, तो कौन सा पानी ज़्यादा जल्दी बर्फ़ बन जाएगा? तो गर्म पानी जल्दी बर्फ़ बनेगा, नाइस ना। ओके, दूसरा सवाल, दुनिया का कितने फीसद पानी पीने के काबिल है? तो सिर्फ 1% पानी है जो बगैर फिल्टर के पिया जा सकता है। सो प्लीज़ पानी को ज़ाया मत करें, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में मेरा मैसेज है, प्लीज़ पानी को ज़ाया मत करें, पानी को ज़ाया मत करें। हाँ, और पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। और जो आपको पता है एक मुहिम चल रही है हमारे डैम की, तो जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें ताकि डैम बनाया जा सके और इस पानी के जो मसले पे है वो ओवरकम किया जा सके। डोंट थिंक यार 10 रुपये से क्या होना है, तो हम जो है हम अगर सेंड भी कर देंगे तो कौन सा बनना है, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप शेयर करें, चाहे 10 रुपये दें। मैं तो कहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर और जो ने एक बहुत अच्छा जो है वो तरीका निकाला है कि 10 रुपये ही दो तो सही ना। कोई भी कोशिश छोटी नहीं होती, क्या पता वो किसी के हक हलाल की इतनी कमाई हो कि उसका 10 रुपया अल्लाह पाक को पसंद आ जाए और अल्लाह पाक तमाम पैसा जो है वो आपके लिए अरेंज कर दे, राइट? तो इसलिए अपना दिल को छोटा ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा डैम के लिए फंडिंग करें। ओके, और मैंने आपसे कहना था, अब मैं लूँगी इजाज़त, तो मेरा प्रोग्राम बूझो तो जीतो थर्सडे टू संडे शाम को 7 बजे देखें, जो अगले दिन सुबह 11 बजे भी रिपीट होगा, सुबह 5 बजे भी रिपीट होगा। अपनी होस्ट अलीना हारून को इजाज़त दें। और टैलेंट ऑफ द डे, अरे कौन कौन सा टैलेंट बताऊँ, वो तमाम लोग जिन्होंने आज मेरे प्रोग्राम में पोइट्री शेयर की और बताया कि ये शेर व शायरी उन्होंने खुद लिखी है, वो तमाम आज के टैलेंट थे। सो वो थे टैलेंट ऑफ द डे। अपना ख्याल रखें, अपनी होस्ट अलीना हारून को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।